फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन, बॉर्डर डिज़ाइन। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स, से दो रो का डिज़ाइन है। आप इस बॉर्डर डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आप इस बॉर्डर डिज़ाइन को जेंट्स स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज स्वेटर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स, से दो रो का डिज़ाइन है। आगे इस तरह देखेगा, बैक साइड भी इसका इसी तरह बनेगा। आइए सीखते हैं। फर्स्ट रो, फंदे डालने के बाद हमने बॉर्डर डिजाइन शुरू कर देना है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट रो एक्स्ट्रा फंदा को पहले हमने सीधा बना लेना है। इसके बाद एक फंदा इस तरह से, हमने एक फंदे के दो फंदे बना लेने हैं। एक बार ऐसे लेंगे, एक बार हमने इस तरह से लेना है, एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ। अब इधर हमने क्या करना है, एक फंदे के इस तरह से पहले हमने लेना है, फिर आगे की तरफ से इस तरह से एक फंदे के दो फंदे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, एक फंदे का पहले हमने पीछे से इसको बैक साइड से इस तरह से लेना है, फिर आगे की तरह हमने इसको सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ, दो फंदे का एक फंदा उल्टा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ रखेंगे, एक फंदे के दो फंदे। धागा अपनी तरफ, यहाँ दो फंदे दिख रहे हैं, इसको हमने उल्टा बना लेना है, दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ रखेंगे, एक्स्ट्रा फंदा इसको हमने सीधा बना लेना है। इसी फर्स्ट रो को हमने रॉन्ग साइड से भी रिपीट करना है। रॉन्ग साइड से भी हमने ये रिपीट करना है, ये उल्टा फंदा है, इसको तो हम उल्टा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ रखेंगे, ये सीधा दिख रहा है। अब इधर हमने क्या करना है, इधर से इस तरह से लेना है। पहले एक तरफ से बैक साइड से लेंगे, फिर इसको हमने आगे की तरफ इस तरफ सीधा बना लेना है। रॉन्ग साइड से भी हमने फर्स्ट रो की तरह रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इधर दो फंदा दिख रहा है इकट्ठा, इसको हमने दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, एक फंदा पहले हमने इस तरह से लेना है, फिर इसको आगे की तरफ इस तरह से ले कर एक फंदे के दो फंदे बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा। धागा आगे की तरफ, एक फंदे का दो फंदा। एक बार ऐसे लेंगे, एक बार आगे की तरफ लेंगे, सीधा बना लेंगे, दो फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। आगे की तरफ रखेंगे धागा, ये एक फंदा दिख रहा है, पहले हमने बैक साइड से लेना है, फिर आगे की तरफ से इसको सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा। धागा आगे की तरफ रखेंगे, साइड वाला फंदा सीधा बना लेंगे। इन्हीं टू रो को हमने बार बार रिपीट करना है। इसमें हमने रॉन्ग साइड से भी फर्स्ट रो की तरह रिपीट करना है। दोनों साइड हमने यही बनाना है, एक फंदा उल्टा, अभी उल्टा बन जाएगा, अभी सीधा फंदा दिख रहा है, इसको हमने इस तरह से बनाना है। एक बार ऐसे लेंगे और एक बार इस तरह से ले लेंगे। धागा अपनी तरफ, ये दो फंदे खट्टे दिख रहे, इनको हमने घटा लेना है, दो का एक बना लेना है। एक बार ऐसे लेंगे, एक बार आगे की तरफ से ले लेंगे, एक फंदे के दो फंदा, और यहाँ दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, एक फंदे का दो फंदा। धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। धागा आगे की तरफ, एक फंदे का दो फंदा। दो फंदा इकट्ठा हमने घटा लेना है उल्टे करके। धागा आगे की तरफ रखेंगे, साइड वाला फंदा इसको हमने सीधा बना लेना है।
इन्हीं दोरों को हमने बार बार रिपीट करना है। उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, रॉन्ग साइड से भी हमने ये रिपीट करना है। एक फंदे के पहले दो फंदा बना लेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे की तरफ, एक फंदे का दो फंदा, एक बार आगे से सीधा बना लेंगे, एक फंदे का दो फंदा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से हमने एक फंदे का दो फंदा बना लेना है, धागा अपनी तरफ, दो फंदे का एक फंदा, धागा आगे की तरफ, एक फंदे का दो फंदा, धागा अपनी तरफ रखेंगे, दो फंदे का एक फंदा। साइड वाला फंदा है इसको हमने सीधा बना लेना है। इस तरह से बन गया है फ्रेंड्स, आप इन्हीं दोरों को बार बार रिपीट करेंगे, ये इस तरह से बन के आएगा, पूरा बन के इस तरह से दिखेगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।